लहसुन जो है इसको आप कैसे छील के पीस के रख सकते हैं ताकि जब भी आप खाना बनाएं तो आपको लहसुन पिसा हुआ मिले। तो मैं इसका पेस्ट जो बनाती हूँ वो बग़ैर पानी के इसको पीसती हूँ, और बग़ैर पानी के मैं इसको पीस के फ्रीज़ कर देती हूँ। सर्दियों में आप फ्रिज में रख सकते हैं और गर्मियों में आप इसको फ्रीज़ कर दें तो ये सेव रहता है महीना महीना, दो दो महीने भी बिल्कुल सही। इसकी खुशबू और बिल्कुल ताज़ा, इसको निकालें आप तो उसी तरह से ये बिल्कुल ताज़ा होता है। ये मैं अभी आपके सामने इसको छीलूँगी और इसको इसमें जार में डाल के इस हैंड ब्लेंडर से इसको मैंने पीसना है। कोई पानी इसमें ऐड नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको रखें और इसके ऊपर ये आप कोई छुरी वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ रखें और इसको मारें जोर से। ये एक्चुअली इस फॉर्म में ये खुल गई हैं। अब आधे आधे इनके छिलके भी उतर गए हैं। तो अब मैं इनको जल्दी से इसमें छील के तो डाल देती हूँ। जब इसको पीसूंगी तो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी, तो उसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मतलब आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वो ख़राब करता है चीज़ों को, उससे फंगस आ जाती है। तो पानी में बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी। इसी तरह लहसुन के ही पानी में ये पिसेगा तो ये बिल्कुल सेव रहेगा। यदि लहसुन मैंने छील लिया, अब इसको मैं डालूंगी इस हैंड ब्लेंडर के साथ, एक जार आता है उसमें, और इसमें डालने के बाद अब हम हैंड ब्लेंडर को चलाएंगे। ये इसके ऊपर टू पावर्स दी हुई होती हैं, वन एंड टू, ठीक है, ये वन एंड टू। तो आप कम स्पीड पे चलाना चाहते हैं या फुल पे, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको फुल पे चलाऊंगी अभी, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये लहसुन का पानी निकलना शुरू हो गया और इसका जो पेस्ट है वो इसी के पानी में ये बनना शुरू हो गया। अब मैं इस ब्लेंडर का ये जो ब्लेड है इसको साफ़ करूंगी और इसको इसमें वापस जार में डाल के और इसको दोबारा से पीसूंगी। ये देखें जी, इसका ब्लेड मैंने साफ़ कर दिया है और ये वापस मैंने इस जार में डाल दिया मटेरियल। अब ये जो आधा पिसा हुआ सा है इसको मैं मज़ीद ब्लेंड करूंगी तो ये अच्छी तरह से ब्लेंड होके एक मिक्सचर सा, पेस्ट सा बन जाएगा। ये आप देखें कितना फाइन पेस्ट बन गया है लहसुन का। आप ज़्यादा लहसुन भी रख सकते हैं, मैंने तो दो कलियाँ इसलिए ली हैं कि मेरे लिए यही सफिशिएंट होता है, मेरे दो तीन हफ्ते इसी में गुजर जाते हैं। ये देखें कितना फाइन पेस्ट बन गया है, और आप ज़्यादा ले सकते हैं, तीन चार लहसुन ले सकते हैं, तो उनको आप वो पीस लें और पीस के उनको सेव कर लें। जी ये कितना फाइन पेस्ट बना है, ये देखें बिल्कुल पिस गया है, ठीक है। और ये इसके अपने पानी में पिसा है, इसमें कोई मैंने पानी या ऑयल कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली। तो इसको मैं अब जार में, कंटेनर छोटे छोटे मैंने रखे हुए हैं, मैं उसमें सेव करूंगी और फ्रीज़ कर दूंगी। तो आप इसको आइस क्यूब्स वाली ट्रे में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, उससे छोटे छोटे क्यूब्स बन जाते हैं। आप एक क्यूब निकालें और डाल लें, एक क्यूब जो है वो ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के इक्वल होता है। ये मेरे पास छोटे छोटे कंटेनर्स हैं जो मैंने लहसुन अदरक को पीस के सेव करने के लिए रखे हुए होते हैं, तो इनमें मैं इनको सेव कर लेती हूँ पीसने के बाद। ये जी, मैं इस तरीके से इसमें इस कंटेनर में सारा पेस्ट जो है वो डाल दूंगी। ये जो सिलिकॉन के स्पैचुलाज होते हैं ये बड़े फिट रहते हैं किसी भी कंटेनर में से। इस तरह लहसुन अदरक या प्याज या टमाटर का जो भी पेस्ट वगैरह हो या कोई चीज़ निकालनी हो आपने, तो ये देखें बिल्कुल कंटेनर को साफ़ कर देते हैं। ये देखें, मैंने इस जार को इस स्पैचुला की मदद से ही सारा साफ़ कर लिया है और सारा जो लहसुन का पेस्ट है वो मैंने इसमें से रिमूव कर लिया है। ये देखें ऑलमोस्ट ये साफ़ हो गया, और ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मैं ढक्कन दे के फ्रीज़र में रख लूँगी, और जब मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको छुरी से इसके पीस करके मैं डाल लूँगी। आप चाहें तो आइस क्यूब वाली ट्रे में भी रख सकते हैं, मुझे ये ज़रा ईजी लगता है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इस तरीके को यूज़ करें और फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़।